हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में। उसमें पहला है न्यूक्लियोसाइड। तो डी ऑक्सी राइबो शर्करा के एक अणु के प्रथम स्थान का कार्बन परमाणु नाइट्रोजनीय क्षारक के नाइट्रोजन अणु से एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर एक न्यूक्लियोसाइड बनाता है ना। देखिए फिर से देखिए कि डी ऑक्सीराइबोस शर्करा का एक अणु का प्रथम स्थान यानी कि जो फर्स्ट प्लेस पे जो रहेगा कार्बन परमाणु वो नाइट्रोजनस बेस के साथ है ना। नाइट्रोजन बेस में जो नाइट्रोजन होगा नाइट्रोजन अणु से एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा जिसे कि डी ऑक्सीराइबोसाइड कहते हैं। चूंकि नाइट्रोजनी क्षारक चार प्रकार के होते हैं अतः डीएनए में चार प्रकार के डीऑक्सीराइबोसाइड्स भी होंगे। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, इसलिए डीएनए में डीऑक्सीराइबोसाइड्स कितने होंगे, चार प्रकार के होंगे। देखिए इसमें पहला है डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी थाइमिडिन और डीऑक्सी साइटिडिन। नेक्स्ट हेडिंग है न्यूक्लियोटाइड। देखिए प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड शर्करा के पांचवे स्थान का कार्बन एटम फास्फोरिक अम्ल के एक अणु से 5 फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड या फिर डीऑक्सीराइबोटाइड बनाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड्स होता है, न्यूक्लियोसाइड शर्करा के पांचवे स्थान का जो कार्बन एटम होता है वही फास्फोरिक अम्ल के साथ 5 फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाता है ना। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता था, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक के नाइट्रोजन अणु से एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता था, है ना। तो ये जो है याद रखिएगा अच्छे से, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर जो है पूछा जाता है। अब देखिए क्योंकि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, इसलिए डीऑक्सीराइबोसाइड्स भी चार प्रकार के होते हैं। इससे पहला है डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल, दूसरा है डीऑक्सी गुआनिलिक अम्ल, तीसरा है डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल और चौथा है डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल। तो प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो कई यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से यौगिक हैं। इसमें पहला है पेंटोस शर्करा। देखिए डीऑक्सीराइबोस, देखिए इसका फॉर्मूला लिखा हुआ, सूत्र लिखा है C5H10O4, है ना, डीऑक्सीराइबोस का है ये। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा के कार्बन परमाणुओं को प्राइम नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से शो किया जाता है। दूसरा यौगिक है फॉस्फेट समूह यानी कि PO4। तीसरा यौगिक है नाइट्रोजनीय क्षारक, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो नाइट्रोजनीय क्षारक भी कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विवलीय, होता है प्यूरीन क्षारक यानी कि प्यूरीन बेस जो होते हैं एडनिन और ग्वानिन टाइप के होते हैं। ठीक है, प्यूरीन एंड पिरामिडिन टाइप के होते हैं ये नाइट्रोजनस बेस। तो प्यूरीन जो होते हैं वो द्विवलीय होते हैं, एडनिन और ग्वानिन होते हैं। प्यूरिन क्या होते हैं, एडनिन और ग्वानिन। तो एडनिन को कैपिटल ए से शो किया जाता है और ग्वानिन को कैपिटल जी से शो किया जाता है। नेक्स्ट है एकवली पिरिमिडिन क्षारक। ओके, एकवली पिरिमिडिन बेस, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, थायमिन और साइटोसिन। ओके, थायमिन और साइटोसिन, थायमिन को कैपिटल टी से शो करते हैं और साइटोसिन को कैपिटल सी से। तो डीएनए में चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, जिसमें से एडनिन ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, द्विवलीय है, और थायमिन और साइटोसिन क्या है, पिरिमिडिन है और एकवलीय होते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग है पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो विभिन्न क्रमों में जुड़कर पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। डीएनए की बात की जा रही है, अब ये मत सोचना कि कहाँ जुड़ जाते हैं, तो ये डीएनए में जुड़ते हैं। ओके, तो प्रत्येक श्रृंखला में एक न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शर्करा में 5 स्थान के कार्बन 5 से जुड़ा फॉस्फेट समूह, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस के 3 स्थान के कार्बन श्रृंखला के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसी कारण यह कहलाता है 5-3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शर्करा में जो 5वें स्थान का कार्बन होता है, यानी कि कार्बन 5 जो होता है, वो फॉस्फेट समूह दूसरे न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस में 3रे स्थान के, है ना, कार्बन से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। इसी कारण से 5-3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। देखिए, जैसे कि डीएनए की जो संरचना होती है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक, तो एक साइड ये होता है इसकी 5 जो होता है, ठीक है, इसका जो एक बॉन्ड होता है, एक जो इसका क्या बोल सकते हैं इसे, आप इसका थ्रेड कह सकते हैं। ठीक, तो एक 5 पे होता है, एक 3 पे होता है, है ना। तो वही कह रहा है कि जो 5वें स्थान का कार्बन, यानी कि जो इधर का कार्बन होगा, है ना, वो कहाँ जुड़ता है, 3रे जो स्थान का कार्बन 3 से जुड़ा रहता है। इस वाले जो थ्रेड है, ये 3 वाला जो थ्रेड है, इसके कार्बन 3 से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जुड़े रहने के कारण ही, जैसे कि 5 है 3 से जुड़ा है, 3 है 5 से जुड़ा है, तो इनमें जो है हेलिक्स जैसे, मतलब ये ऐसे जो है क्वाइल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, कि 5-3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को दृढ़ता और दिशात्मकता या फिर ध्रुवता प्रदान करते हैं, क्योंकि श्रृंखला के ऊपरी छोर जो है 5 एंड पर शर्करा अणु के C5 कार्बन से फॉस्फेट समूह यानी कि PO4 स्वतंत्र होता है। इसे 5 शिरा कहते हैं। और दूसरे सिरे यानी कि 3 एंड पर शर्करा अणु के 3 कार्बन से जुड़ा OH समूह स्वतंत्र होता है। यह श्रृंखला का 3 सिरा कहलाता है। मतलब यही जो भी मैंने बताया कि जो दो थ्रेड होते हैं, वो उनकी दिशा एक होती है 5 की साइड होती है, एक 3 की साइड होती है। ठीक है, तो वही जो है, ये जो 5 और 3 है, यही क्या इनको शो दिखा, मतलब प्रदर्शित करते हैं, दिशात्मकता और ध्रुवता प्रदान करते हैं डीएनए को। और जो 5' है, यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट समूह होता है PO4, और 3 इंड पे क्या होता है, OH होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कि यद्यपि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं, किंतु इनके क्रम तथा संख्या में विविधता के कारण ही इनकी संरचना में विविधता पाई जाती है, जिससे कि जीवों में अनेक प्रकार के डीएनए अणु होते हैं जो जीवों को विविधता प्रदान करते हैं। देखिए, इसको समझ लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आप लोग को डीएनए की संरचना, है ना, ठीक। जैसे मान लीजिए डीएनए का कोई सीक्वेंस है, तो जो अभी मैंने नाइट्रोजन बेस हम लोगों ने पढ़ा, ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ टी है, यहाँ जी है और सी है, ठीक। तो इस प्रकार से जुड़ेगा, तो इसका सीक्वेंस जो है, ये केवल 4 ही प्रकार के नाइट्रोजन बेस जो होते हैं प्रत्येक जंतुओं में होते हैं, और यही इनका सीक्वेंस लेकिन चेंज होता है। तो इसी सीक्वेंस चेंज के कारण ही, देखिए लिखा है ना कि इसका सीक्वेंस यानी क्रम संख्या चेंज होती है, जरूरी नहीं कि वो ATGC इसी प्रकार से जुड़ा रहेगा, नहीं। हो सकता है टी आगे हो, जी पीछे हो, है ना, हो सकता है यहाँ टी हो, ठीक, फिर यहाँ जो है ए हो, है ना, फिर यहाँ पे सी हो, इस तरीके से हो सकता है कि इसमें इन्हीं 4 में ही इस तरीके से इनका चेंज होता है कि प्रत्येक जीव जंतु की डीएनए की संरचना में विविधता पाई जाती है।
तो आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि देखिए चार ही नाइट्रोजन बेस है, तो नाइट्रोजन बेस चार होने के कारण कितनी कोई विविधता बनाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दो मतलब मनुष्य हैं या जंतु हैं, उनके डीएनए संरचना में समानता पाई जा सकती है, तो बिल्कुल पाई जा सकती है, लेकिन उसके होने की संभावना बहुत कम होती है। ओके, यानी कि समानता पाई जा सकती है लेकिन बहुत कम। हाँ, कुछ स्थानों पर ये जो है अपने पेरेंट्स की तरह जो है ये शो करते हैं सीक्वेंस, तो इससे पता चलता है ना कि जब डीएनए चेक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब होता है, या फिर कह सकते हैं कि वंशागति का किसी का अध्ययन करना होता है, तो इन्हें डीएनए के सीक्वेंस का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे वे जैसे कि अपने माता पिता का ही संतान है कि नहीं, है ना, जब ये जाँच की जाती है कि कोई जो है ऑर्गेनिज्म है वो जो है उसके माता पिता कौन है, तो डीएनए उनका चेक किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा उनकी चेक की जाती है, तो ये देखा जाता है कि किस सीक्वेंस पर, मतलब कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो इनका समान हो रहा है। तो पेरेंट्स के भाई बहन में, है ना, डीएनए सीक्वेंस कहीं ना कहीं समान हो जाती है, पूरी तरह से समान नहीं होगी, कहीं ना कहीं समान हो जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज आ जाती है, जिससे उसका दे जाता है कि हाँ ये जो है इसी फैमिली के हैं, इनके पेरेंट्स यही है या इनके बच्चे। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। देखिए, डीएनए के इस मॉडल को वॉटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कहा जाता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। डीएनए का वॉटसन क्रिक मॉडल, या फिर पूछ लिया जाता है कि डबल हेलिक्स संरचना, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए, वॉटसन तथा क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसमें, तो डीएनए अणु जो होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिला क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहता है। देखिए, डीएनए कई प्रकार का होता है, कुछ जो डीएनए है वो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉक कैसे चलता है, इस तरह से चलता है ना, सुइयां जो हैं क्लॉक में, जैसे कोई मान लीजिए कोई घड़ी है, तो वो जो ऐसे से होता है ना, यहाँ 9 बजा, फिर 10 बजा, फिर 11, फिर 12, है ना, तो क्लॉकवाइज, जब उसका हेलिक्स जो है इस तरीके से मुड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का डीएनए अणु में दो हेलिक्स होते हैं। फिर से देखिए, डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिला क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहती हैं, यानी कि वो इस तरह से ऐसे घूमी रहेंगी। ठीक है, एक अक्ष है उसके चारों ओर, जैसे कि अगर किसी पेन पे आप किसी पतली डोरी को लपेटिए इस तरह से, है ना, ऐसे 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 इस तरीके से वो मुड़ी रहती हैं। इस प्रकार डीएनए अणु में दो हेलिक्स यानी कि डबल हेलिक्स पाए जाते हैं। जैसे ये मैंने अभी डीएनए स्ट्रक्चर बनाया ना, तो ये इसका एक पहला हेलिक्स है और ये जो है दूसरा हेलिक्स है। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शर्करा के कार्बन दिशा, शर्करा की कार्बन दिशा जो होती है 5-3 डायरेक्शन में, और दूसरी जो होती है 3-5 डायरेक्शन में होती है। ये जो एक हेलिक्स होता है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है डायरेक्शन, तो ये जो इसका नीचे वाला जो होगा ये, ठीक है, देखिए ये जो आ रहा है थ्रेड इस तरह से आ रहा है ना, ये 5 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, और इसके जस्ट अपोजिट होता है, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट अपोजिट 3 हो जाएगा, इस तरीके से होता है ना। दिशा में होते हैं दोनों कुंडलियों या हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड भी परस्पर जुड़े होते हैं। दोनों कुंडलियों या हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो परस्पर आपस में जुड़े होते हैं। इनके नाइट्रोजनस क्षारकों के बीच, नाइट्रोजनस बेस के बीच दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यानी कि ATGC, है ना, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, उसकी बात की जा रही है। दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देखिए, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन की मात्रा बराबर होती है।
जितनी जो है इस श्रृंखला में होगी प्यूरिन पिरिमिडिन उतनी ही सामने वाले में भी होगी, और जितना इसमें होगा ठीक है प्यूरिन पिरिमिडिन की संख्या उतनी जो है इस वाले में भी होगा। ओके अब देखते हैं हम। हाँ, क्योंकि एक श्रृंखला के प्यूरिन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडिन से जुड़े रहते हैं, है ना। एक श्रृंखला के जो प्यूरिन होते हैं वो दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडिन से जुड़े होते हैं। देखिए जैसे कि प्यूरिन हमने क्या देखा है, एडिनिन है, और क्या है एडिनिन के ग्वानिन है ना, एडिनिन ग्वानिन ये क्या है प्यूरिन था। पिरिमिडिन क्या देखा हमने, थायमिन और साइटोडिन। तो थायमिन ए के साथ थायमिन जुड़ता है, यानी एडिनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ता है, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है। ओके तो वही कह रहा है कि जितने दोनों श्रृंखला में जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एडिनिन लिख लिया, ग्वानिन लिख लिया, तो यहाँ पे हमने थायमिन लिखा और यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा इसके सामने जो है प्यूरिन इधर लिखा है तो पिरिमिडिन जरूर ही रहेगा, उपस्थित से रहना ही है। अब देखिए शार्गेफ नाम के एक साइंटिस्ट ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी। देखिए यहाँ पे वही जो भी मैंने बताया आप लोगों को कि थायमिन जो है वो एडिनिन से ऐड होता है और ग्वानिन जो है साइटोसिन से, ठीक है। थायमिन किससे ऐड होता है, एडिनिन से, और ग्वानिन साइटोसिन से। थायमिन को कैपिटल टी से शो करते हैं और ग्वानिन को कैपिटल जी से शो करते हैं, है ना। एडिनिन को कैपिटल ए से और साइटोसिन को कैपिटल सी से शो करते हैं, ठीक है। फिर है कि थायमिन और एडिनिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, थायमिन और एडिनिन के बीच में यानी टी और ए के बीच में वो डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ओके थायमिन एडिनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देखिए डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम यानी कि 2 नैनोमीटर होती है, यानी कि जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं उनके बीच की दूरी की बात की जा रहा है। अभी मैं इसका फिगर आपको दिखाऊंगी बुक में से, तो फिर आप लोग को इसे और समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए हेलिक्स का एक चक्कर जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम यानी कि 3.4 नैनोमीटर का अंतर पर पूरा होता है, अतः प्रत्येक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड्स युगल होते हैं। हेलिक्स का एक चक्कर यानी कि ये देखिए यहाँ फिगर में आप देखिए ये जो है यानी कि ऐसे जो घूम के फिर से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो एक चक्कर लग रहा है ना, तो एक जो चक्कर है उसमें क्या होता है 34 एंगस्ट्रॉम का अंतर आता है, और प्रत्येक चक्कर में यानी कि प्रत्येक जो चक्कर उसमें कितने बेस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। सॉरी संख्या नहीं पेयर युगल बोल रहा है ना, 10 न्यूक्लियोटाइड्स युगल होते हैं, यानी कि संख्या में कहा जाए तो 20 हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है कुंडलिनीकरण के कारण डीएनए अणु की पूरी लंबाई में दीर्घ खांचे यानी कि मेजर ग्रुप्स तथा लघु खांचे यानी कि माइनर ग्रुप्स भी होते हैं। आप कहेंगे कि मेजर ग्रुप्स और माइनर ग्रुप्स क्या है, तो जैसे कि ये है डीएनए की संरचना, है ना। अब ये देखिए ये जो है ये हो गया मेजर ग्रुप्स, ठीक है, यानी दीर्घ खांच। और ये देखिए एक यहाँ से और ये जो है ये है माइनर ग्रुप्स यानी कि लघु खांच, ठीक है। तो कुंडलिनी के कारण जो इस तरह से घूम रहा है ये, इसके कारण में जो है मेजर ग्रुप्स और माइनर ग्रुप्स बन जाते हैं। देखिए फिगर में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, ये देखिए दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी जो है कितना दिया है 20 एंगस्ट्रॉम, है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ बहुत ही क्लियर हो रहा होगा अच्छे से,
माइनर ग्रुप्स है ना, ये देखिए ये वाला जो है ये माइनर ग्रुप्स कहलाएगा। और ये जो है यहाँ पे एक फोल्ड है और यहाँ पे, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम है। और ये किसे क्या कहेंगे, मेजर ग्रुप्स, यानी कि मेजर ग्रुप्स के बीच की दूरी कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम है। चलिए ये देखिए, ये जो है जो पट्टी आपको दिख रही है डीएनए की, ये किसकी बनी है, शुगर फॉस्फेट की बनी है। ओके, इसके बीच में ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, है ना, नाइट्रोजनस बेस, जैसे ए हो गया, हाँ टी हो गया, जी हो गया, सी हो गया, तो जैसे यहाँ ए है, यहाँ टी, यहाँ जी लिखा और यहाँ सी लिखा, तो ए के सामने टी, टी के सामने ए, है ना, अभी बगल वाले फिगर आप लोग देखेंगे, तो इस तरह से ये नाइट्रोजनस बेस जो है इसमें ऐड रहते हैं। देखिए दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी कह रहा है, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखिए ये जो सबका मेजरमेंट दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबको इसे याद भी करना है। ओके, डीएनए का फिगर बनाने भी आना चाहिए और साथ में इसकी मेजरमेंट को भी याद रखना चाहिए। यहाँ देखिए बगल वाला जो फिगर है इसमें यही नाइट्रोजनस बेस के बारे में दिखाया गया है। देखिए जी सी टी है ना, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन है, तो ग्वानिन जो है होता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, देखिए दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से ऐड रहता है ना। यहाँ देखिए साइटोसिन है, ये किससे जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानोसिन से, साइटोसिन हमेशा ग्वानोसिन से ही ऐड होगा, ये नहीं कि साइटोसिन के आगे आप टी लिख दें, ए लिख दें तो गलत हो जाएगा, सीधे गलत हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है कि सी जो है ग्वानोसिन हमेशा साइटोसिन से और साइटोसिन हमेशा ग्वानोसिन से ही ऐड होगा। थायमिन जो है वो एडनिन से ऐड होगा, हमेशा थायमिन एडनिन से और एडनिन थायमिन से ऐड होता है ना। देखिए एडनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ देखिए थायमिन है, यहाँ एडनिन है, तो इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि प्यूरिन्स और पिरिडिन्स में प्रमुख अंतर क्या है, है ना, प्यूरिन्स एंड पिरिडिन्स क्या होते हैं, इसमें प्रमुख अंतर बताइए या फिर इसके बारे में बताइए, है ना, इसका सिक्वेंस किस प्रकार से होता है, ठीक है, और यही जो सिक्वेंस होता है इसी के कारण क्या होता है, एक जीव का दूसरे जीव के अनुवांशिक में, अनुवांशिकता में विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए डीएनए के विभिन्न स्वरूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, डीएनए कितने प्रकार का होता है, तो डीएनए जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। ओके, डीएनए भी 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी और जेड। ओके, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए और जेड डीएनए। ओके, ए डीएनए जो होता है वो क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त उनका जो है घूर्णन होता है, मतलब कि इस प्रकार से वो कुंडलित रहते हैं ए डीएनए, ठीक है, राइट हैंडेड होते हैं और प्रत्येक कुंडल में 9 न्यूक्लियोटाइड युगल होते हैं। याद रखने वाली चीज है, याद रखिएगा, ए जो है क्लॉकवाइज एंड दक्षिणावर्त घूमता है, राइट हैंडेड। ओके, और इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, न्यूक्लियोटाइड कितने पेयर में होता है, 11। बी देखिए, बी भी राइट हैंडेड ही है, और जो वॉटसन और क्रिक द्वारा जो खोजा गया डीएनए था वो कौन सा था, बी डीएनए ही था, ठीक है, याद रखिएगा, वॉटसन और क्रिक द्वारा खोजा गया डीएनए का प्रकार क्या है, तो वो बी डीएनए है, वो भी राइट हैंडेड डीएनए ही है और इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर इसमें होते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए सी डीएनए, सी डीएनए कैसा है, सी डीएनए भी राइट हैंडेड ही है ना, और न्यूक्लियोटाइड की संरचना देखिए, न्यूक्लियोटाइड का पेयर 9 न्यूक्लियोटाइड है इसमें। ओके, नेक्स्ट है डी डीएनए, डी डीएनए कैसा होता है, डी डीएनए भी राइट हैंडेड है और इसमें न्यूक्लियोटाइड का पेयर है 8 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 8 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें, यानी कि आप देख रहे हैं कि ए बी सी और डी,
ए बी सी और डी प्रकार के जो डीएनए हैं वो क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, यानी कि दक्षिणावर्त घूमते हैं। राइट हैंडेड उनका जो है कुंडलित है ना, राइट हैंडेड वो जो है कुंडलित होते हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड का युगल हम देखते हैं तो वो ए से लेकर डी तक घटता जाता है। देखिए ए में हो गए 11, बी में हो गए 10, सी में 9 और डी में 8। याद करने में भी आसानी रहेगी, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखाएंगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ आ रहे हैं हम जेड डी एन ए पर। जेड डी एन ए देखिए ये होता है लेफ्ट हैंड कॉइलिंग, ठीक है, ये होता है लेफ्ट हैंड कॉइलिंग, यानी कि ऐसे ऐसे कॉइलिंग होता है इस तरीके से। इसकी द्वि कुंडली जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी जिग जैक होती है, यानी कि जो डीएनए होता है ये इस प्रकार से जिग जैक संरचना में होता है, इस प्रकार से ये जो है कुंडलित होता है, ठीक है, जिग जैक की तरह इनकी संरचना होती है, तो इसलिए इसे जिग जैक होता है, इसलिए इसे जेड डीएनए कहा गया। और इसके प्रत्येक कुंडल में 12 न्यूक्लियोटाइड के युगल होते हैं, 12 न्यूक्लियोटाइड के युगल होते हैं, ओके। और यह मुख्यतः उन स्थानों पर पाया जाता है जो कोशिका कार्य की नियंत्रण से संबंधित होता है, ओके। जेड डीएनए जो होता है उन स्थानों पर पाया जाता है जो कोशिका कार्य की नियंत्रण से संबंधित होता है। देखिए जेड डीएनए याद रखने वाली चीज है, जेड डीएनए एक तो होता है लेफ्ट हैंडेड, है ना, क्वाइलिंग इसकी कैसे होती है लेफ्ट हैंडेड, और इसमें पेयर कितने होते हैं 12 पेयर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ओके। तो याद रखने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए बी सी डी तो होता है राइट हैंडेड, और इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड पेयर कैसे होते हैं, ए में 11, बी में 10, सी में 9, डी में 8। लेकिन जेड डीएनए जब बात आती है तो जेड डीएनए होता है जिगजैग फॉर्म में होता है, है ना, और लेफ्ट हैंडेड साइड जो है क्वाइलिंग होती है इसकी, साथ ही न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोटाइड की संख्या इसमें 12 होती है, ठीक है। अब देखिए जेड डीएनए जो है वो पाया कहाँ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ड्रोसोफिला, है ना, ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि तथा गुणसूत्र पे जेड डीएनए पाया जाता है। जेड डीएनए का अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि जेड डीएनए जो होता है ये कहाँ पाया जाता है या प्रकार बताइए, इसका कोई उदाहरण बताइए, तो हम कहेंगे ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि, या फिर कह सकते हैं कि ड्रोसोफिला में जेड डीएनए टाइप का डीएनए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है डीएनए के कार्य, डीएनए के कौन कौन से कार्य हैं देख लेते हैं। तो देखिए ये जो होता है ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करता है, है ना, ये तो सबको पता है कि डीएनए जो है यही जो है आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन कुछ प्लांट वायरस होते हैं जिसमें आरएनए जो है आरएनए कार्य करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य, है ना, आरएनए जो है वो आनुवंशिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, लेकिन किसमें अपवाद है, प्लांट वायरस, और सभी जीवों में डीएनए के द्वारा यह कार्य किया जाता है, है ना। कुछ प्लांट वायरस में ही आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है, आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, जबकि अन्य सभी शेष जीवों में डीएनए के द्वारा ही आनुवांशिकी पदार्थ के रूप में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यह एंजाइमों के निर्माण को भी नियंत्रित करता है, डीएनए जो है वो शरीर में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके निर्माण को भी ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना एमआरएनए द्वारा राइबोसोम में भेजता है। जब हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आरएनए भी तीन प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, है ना। तो जो एमआरएनए होता है यानी कि मैसेंजर आरएनए होता है, उसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचना होती है वो राइबोसोम को ये डीएनए के द्वारा भेजा जाता है, डीएनए द्वारा भेजा जाता है, डीएनए के द्वारा नहीं, ठीक है। तो जहां राइबोसोम में स्थित
आरआरएनए प्रोटीन निर्माण के स्थल की भूमिका अदा करता है, यानी कि जो आरआरएनए होता है वो जो है प्रोटीन निर्माण का स्थल बन जाता है। कोशिका द्रव में उपस्थित टीआरएनए एमिनो अम्लों को श्रृंखलाबद्ध करके राइबोसोम पर एकत्रित करता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए के तीनों फॉर्म्स जो होते हैं वो काम करते हैं, है ना। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना किसके द्वारा भेज रहा है? एमआरएनए के द्वारा राइबोसोम पे। राइबोसोम में जो आरआरएनए होता है वो प्रोटीन निर्माण का स्थल बन जाता है, है ना। फिर कोशिका द्रव में जो टीआरएनए होता है वो अमीनो अम्लों को श्रृंखलाबद्ध कर देता है, एक श्रृंखला से मतलब एक श्रृंखला में उन्हें एकत्रित करता है, जिससे कि फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कार्य है ये देखिए कि ये क्रोमेटिन जाल का अधिकांश भाग बनाते हैं। डीएनए जो होते हैं ये क्रोमेटिन जाल का अधिकांश भाग इनके द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, डीएनए के द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जीन न्यूक्लिक अम्ल के ही बने होते हैं। उत्परिवर्तन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है मेंडल वाले चैप्टर में, है ना। उत्परिवर्तन यानी कि जीन्स में अचानक से होने वाले परिवर्तन, है ना। जीन्स के सीक्वेंस में अचानक से कोई परिवर्तन हो गया तो वो क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन हो जाता है, है ना। तो उत्परिवर्तन जो होता है किसके कारण होता है? डीएनए के द्वारा होता है, है ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा ही बने होते हैं। तो डीएनए के कार्य को हम फिर से समझ लेते हैं। डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ, है ना, जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। और आनुवांशिक पदार्थ का कार्य क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो प्रमुख गुण है उनको पहुंचाना, है ना। और कह सकते हैं कि कुछ प्लांट वायरस जो हैं उसमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य कर सकता है, लेकिन अधिकांश में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो दूसरा हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो एंजाइम्स के निर्माण को भी नियंत्रित करता है, है ना। एंजाइम्स के फॉर्मेशन को नियंत्रित करना भी डीएनए का ही कार्य है। और फिर है प्रोटीन संश्लेषण में भी ये सूचना जो है एमआरएनए के द्वारा देकर, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में भी इसकी भूमिका है। इसके अलावा डीएनए जो है क्रोमेटिन जाल का अधिकांशतः भाग बनाते हैं, है ना। और डीएनए के द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो चलती है। उत्परिवर्तन के द्वारा जो है एक जीव जो होता है अपने पूर्वज पीढ़ी से प्रमुख नहीं कह सकते हैं कि पूर्वज पीढ़ी से पूर्ण रूप से या फिर कुछ आंशिक रूप से वो अपनी पूर्वज पीढ़ी से अलग हो सकता है ना, जिससे कि नए जीव जातियों की उत्पत्ति भी हो जाती है, है ना। तो उत्परिवर्तन वाले में तो हमने ये पढ़ाई है, तो ये भी कार्य जो है डीएनए का ही है।